धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश और यहाँ पे विराजित सभी सभाजनों को मेरा शत प्रणाम आप सभी के समक्ष मैं अपने अनुभव को व्यक्त करने का मुझे अवसर मिल रहा है इसके लिए मैं बहुत बहुत यह मेरे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी आ, मैं महितपुर जिला उज्जैन का निवासी हूँ मैंने मेरी शिक्षा महितपुर और कुछ पुना से अर्जित की है Uh, मेरी शिक्षा के दौरान और मैंने कुछ वर्ष जो मेरी जॉब की थी उस टाइम मुझे विचार आया कि जो डेवलपमेंट डेफिसिट मैं देखता हूँ जब मैं पुणे से अपने घर पे जाता हूँ तो जो डेवलपमेंट डेफिसिट मुझे दिखते हैं उसने मुझे इंस्पायर किया है कि हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ सल्यूशन क्योंकि बाहर से सिस्टम को ब्लेम करना इट्स वेरी इजी टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड टू मेक अ डिफरेंस दैट रिक्वायर्स समथिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन

तो मेरे लिए मेडिटेशन बहुत काम में आया है मुझे अपना काम रखने का अपने आप को काम रखने का और पढ़ाई पे फोकस करने का ऑल्सो पढ़ाई एक जगह है लेकिन हमारी जो दूसरी रुचियाँ होती है मैं उन्हें भी कंटिन्यू करता था आई यूस्ट टू प्ले स्पोर्ट्स आई यूस्ट टू मेक आउट टाइम टू गो आउट फॉर मूवीज सो दैट एक मोनाटोनी ब्रेक हो जाए तो आप भी जब अपनी शिक्षा के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे तो अपनी रुचि को मत छोड़ेगा क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी निखारती है हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे फेलियर्स फेलियर्स दिखे हो सकता है आपका क्लियर ना हो हर बार लेकिन हमेशा अपने साथ एक इंस्पिरेशन रख लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन होना जरूरी है कि जब आपको गिव अप करने का मन करता है तो वो इंस्पिरेशन आपको आगे ड्राइव करता है मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे माता पिता थे मेरी बहन थी और आखिरी में कुछ महाभारत के अंश हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देते हैं हर समय आ, मैं एक उसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन जी को अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन आ, तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है फल तुम ईश्वर पर छोड़ दो इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना कर्म की फल की आशा रखना उचित है इसलिए हमेशा कर्म करते रहो और अः मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अ

आ, किसका मन बहुत आनंदित होकर ऊपर नहीं उठता वही जीवन में बहुत बड़े काम करता है तो यही पे मैं अपना स्पीच का पूर्ण विराम देना चाहता हूँ और मैं इस पूरे शासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपने बहुत ही सरलता से लाइफ स्किल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया महाभारत की बड़ी बड़ी चीज़ें आपने हमारे सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आज लोगों को बता दी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं